तेजस्वी यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने घर घर शराब बिकने की बात कही थी, जेडीयू ने कड़ी टिप्पणी की है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी राज्य के मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के प्रयास में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी इन आरोपों को साबित करें या राजनीति से संन्यास लें। राजीव ने कहा कि इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। और हास्यास्पद आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए, जो राज्य की जनता एक ऐसे नेता से, जो राज्य का नेता प्रतिपक्ष हो, कतई अपेक्षा नहीं करती। उन्होंने कहा कि राज्य में शराब की होम डिलीवरी जारी है और इस होम डिलीवरी से अगर 1500 रुपए की आमदनी होती है तो इसका 1200 रुपए राज्य सरकार के पास जाता है। हम लोगों की खुली चुनौती या तो इन आरोपों को वो साबित करे और नहीं तो राजनीति से संन्यास। भारतीय निर्वाचन आयोग से भी हम लोगों ने कहा कि उनके इस आरोप का संज्ञान लें और उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। और इस दिशा में हम लोगों की ओर से एक लिखित शिकायत भी उनके समक्ष दर्ज कराई जाएगी।